प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना संक्रमण की चुनौतियों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी KVN पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, AD हेल्थ डॉक्टर JP त्रिपाठी, CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जिले में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के बावजूद यहाँ कोरोना की बढ़ती संख्या पर कोई भी कारगर उपाय नहीं किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाएं और अधिक से अधिक टेस्टिंग करके लोगों को बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूक किया जाए। आपके यहाँ के लोगों की हेल्थ भी है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे। देखिए, एक तो ये है कि आपके पास RRT की संख्या पर्याप्त, बैलेंस की गतिविधि पर्याप्त होनी चाहिए। और खास करके अभी आप उसको रहने दीजिए, वहां से बात करेंगे, फाइल करेंगे तो अभी अगर आपने जीओ भी पढ़ा होता तो आपने देखा होता है, शुल्क लिखा हुआ है जीओ में जो मुख्य सचिव साहब ने जारी किया है, 60-70 टीम होनी चाहिए। और आप कैसे आपने 3 टीम सर्विलेंस के लिए बनाया हुआ है,1151 है और रूरल में नहीं, अर्बन में सर 201 है और रूरल में 1151, कुल 1352 टीमें हैं। और सर्विलेंस सर 3 स्तरीय हो रहा है, एक तो हमारी ये सर्विलेंस टीमें करती हैं, दूसरे MYCs भी अपने NGOs को बैठाए हुए हैं, वो फ़ोन करके करते हैं, और ICCC से भी लोग फ़ोन करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस का काम कर रहे हैं। सर जो डोर टू डोर जा रही है वो हमारी 1352। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपको जानकारी है कि आपके पर पॉजिटिव केस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आपने कितने कॉन्टैक्ट ट्रेस किया, आपको जानकारी है? सर 7-8 पर केस। आपका जो एवरेज है वो नंबर टोटल से जो निकल के आया है वो 3.1 है। आपके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आपने 3.1 पर केस कॉन्टैक्ट ट्रेस किया। सर ये कहीं मिस्टेक हुई है, हमारा 7-8 पर केस आ रहा है सर। हम लोग मिस्टेक कैसे होगी, जो आपने पोर्टल में हाँ डाला है वही है? वही सर, पोर्टल मिस्टेक हुई है। मिस्टेक कहाँ से? पोर्टल की मिस्टेक, बैलेंस वगैरह कमजोर चल रहा है, और यही वजह है कि आपकी पॉजिटिविटी गोरखपुर जिले की खास कर 8.5 पिछले एक महीने से आप हाई पॉजिटिविटी पर चल रहे हैं और स्टेट के फर्स्ट टॉप 5 में आप चल रहे हैं एक महीने से, एक दो दिन से नहीं। पहले आपके जो और जिले थे मंडल के जो टॉप 6 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें पॉजिटिविटी रेट में जी, उसमें 4 गोरखपुर के थे, 6 में से 4 जी। और अभी भी जो है आपके कुछ आपके नीचे हुए हैं 2-3 जिले, लेकिन आप अभी भी पॉजिटिविटी में आप फर्स्ट 5 में चल रहे हैं। आज भी आपकी पॉजिटिविटी जो है इस महीने की, सितंबर महीने की 7.3 है जी। आप 4th नंबर पर हैं। लखनऊ की पॉजिटिविटी 11.5 है, कानपुर नगर की 11% है, प्रयागराज की 10.1% है, गोरखपुर की 7.3% है और मुजफ्फरनगर की 7.3% है। ये 5 जिले हैं जो कि पॉजिटिविटी में सबसे ऊपर चल रहे हैं। और आप गोरखपुर, आप मुख्यमंत्री जी का जनपद है और आप कम से कम एक महीने से आपकी पॉजिटिविटी ऊपर चल रही है, और जब आपकी इतने पुअर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी, आपका पुअर कंटेनमेंट होगा तो आपकी पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है। सर तो आपके कैसे कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं आपके शहर, आपके जिले में? सर इस समय 248 है वर्तमान में। 248 है जी सर। अच्छा, 248 आपके कैसे हैं भाई, इतना कम कैसे हैं जब आपके यहाँ
2918 एक्टिव केस है। तो इतने कम कैसे हैं, इसका मतलब आपके यहाँ क्लस्टरिंग बहुत ज्यादा है क्या? 338 सर, ये हमारे कंटेनमेंट सर 338 हैं और एक्टिव केसेस 2159 हैं। भाई आपके जो पोर्टल पर है जी 2918 है एक्टिव केस? नहीं सर, 2100 बता रहे हैं। 2159 सर, ये हम अभी आज के तो आज ही की रिपोर्ट में पोर्टल से बता रहा हूँ, आज सुबह के 6 बजे की बता रहा हूँ। ये आपके डॉक्टर विकास अग्रवाल ने दिया है हमको जी आज सुबह 6 बजे की रिपोर्ट। तो अगर आपके 2100 है एक्टिव केस जी सर, तो आपने 2900 आपके पोर्टल पर क्यों शो हो रहा है? देखते हैं सर, इधर जब मैं कोविड में था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन अभी कोविड में आप जब थे तब ना, आपको कोविड नहीं है अभी सर। तो आपके आज सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, आज सुबह आपका जो है 2918 है। नहीं सर, देखिए सभी सीएमओस के लिए ये है, आप लोग आज अपने जो पोर्टल का है, अभी मैं जो ये पोर्टल का 24 घंटे वाला सुबह की रिपोर्ट है, मैं उसको अभी एबीसीएमओ ग्रुप पे डाल रहा हूँ सर, और आप लोग आज उसको चेक करिए, अगर आपके नंबर ज्यादा है तो देखिए कहाँ है, उसको डिस्चार्ज करिए। ठीक है, नंबर अपना जो सही है सही नंबर दिखाइए, अपने पोर्टल को चेक करिए। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि 10-10 दिन पहले भी इतने इतने केस थे और डिस्चार्ज सर होम आइसोलेशन में ला के सर 9793 लोग क्योर हो गए हैं। पोर्टल इश्यूज हैं सर, आज हम शाम को उसको डिस्कस कर लेंगे, सबको मिला बैठा लेते हैं, डीएम साहब भी इसको देखते हैं सर। आप ऐसा है, इसको मैं अभी डाल रहा हूँ सीएमओ के ग्रुप में, आज सुबह वाली जो रिपोर्ट है, और इसको आप लोग जो है मैंने डाल दिया है, इसको आप लोग देखेंगे सर, और देख करके आज शाम में मुझे आप लोग सबकी सही फिगर चाहिए। ठीक सर, करेक्टिव करा देंगे इसको, आप लोग आज ही पोर्टल को बिल्कुल ठीक करवाइए सभी लोग। अगर आपके जो रिपोर्टेड है अगर ज्यादा है एक्चुअल से, तो जो भी एक्सेस नंबर है उसको आप कम करवाइए, अगर आपके रिपोर्टेड से कम है उसको ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा करवाइए जी सर। ये आप लोग इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और उसके कारण से आपकी स्थिति जो है ये हमेशा खराब होती है। जब ये हाई लेवल पर रोज रिव्यू होता है, आप जानते हैं हर दिन सुबह मीटिंग होती है, उसमें ये बात आती है साहब इस जिले का इतना है, जिले का इतना है, आप कहेंगे साहब नहीं है हमारा 800 कम है हमारा, ये स्थिति अच्छी नहीं है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। और गोरखपुर के एडी साहब बैठे हुए है ना सर जी, सर आपकी रिपोर्ट सही है, पोर्टल की रिपोर्ट आप जो बता रहे हैं वही सही है सर, तो क्या ऐसी बात क्यों कर रहे हैं आपके सीएमओ, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? अब पोर्टल देख नहीं पाए सर अपनी रिपोर्ट में वो ये नाम सर, एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूँ सर रिपोर्ट यही है, पोर्टल को हम आज शाम करेक्ट करा लेते हैं, पोर्टल पे ही प्रॉब्लम है, 2159 ही है हमारे एक्टिव केसेस सर। डॉक्टर पोर्टल पे जो रिपोर्ट है वो तो सारी जिले से ही फीड हुई है ना, कोई ऐसा है कि पोर्टल को आप पोर्टल को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टल पर जो आप डालते हैं वही वहां रिफ्लेक्ट होता जी सर, और पोर्टल आप कभी खुद देखते नहीं है, इसका मतलब अगर आप देख रहे होते कि हमारा पोर्टल में क्या दिखला रहा है नंबर्स, तो आप खुद ही आप उसके प्रति वो आपके जो कॉन्टैक्ट किसी भी जो मैं बात कर रहा हूँ जी सर, ये आंकड़े भी पोर्टल के हैं, पोर्टल से ही है, जो आपके सर्वेलेंस के आंकड़े होते हैं वो सब पोर्टल के होते हैं, जो भी डेथ्स है केसेस है सब पोर्टल के हैं। इसको आप लोग कृपया करके जरा इसको गंभीरता से इसको कहिए, क्योंकि अभी आपको कोविड से अगले 3-4 महीने कोई भी रिलीफ नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं जिस पर लोग बहुत बैन कर रहे थे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पर, उसका ट्रायल भी रोक दिया गया, आप देख ही रहे हैं। तो इसलिए जो है अभी हमको और आगे आने वाले समय में उसको हम लोग करके आपने बनवा दिया होगा ना, तो जाने के लिए जो होना है उनके बाद होगा जो चर्चा होगी उसे काफी जी ध्यान दिया जाऊंगा जी सर। अच्छा उसको मैं करवाता हूँ, तो आगे आने वाले समय में जब और तमाम तरह की चीजें होगी जिसके लक्षण सब इससे मिलते हैं, चाहे आपके डेंगू के हों और चाहे H1N1 के हों, सबके लक्षण इससे मिलेंगे, तो अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो एकाएक उस समय पता चलेगा कि हम तो बिल्कुल ही ओवरवेल्म्ड हो गए,
हर एक आदमी जिसको बुखार हो रहा है आपको यही लगेगा कि कोविड हो रहा है, वो हो रहा है। तो अपने जो पॉजिटिविटी है इसको आप लोग कंट्रोल करिए, जिसकी भी 5% से ज्यादा है उसके लिए ये एक एक रेड सिग्नल होना चाहिए कि हमको कैसे अपनी पॉजिटिविटी को कम करना है। और जब तक पॉजिटिविटी को कम करने का और कोई तरीका ही नहीं है, यही तरीका है कि आपको जहां केस हुआ वहां पर आपको पेरिमीटर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कंटेनमेंट करना पड़ेगा। वही तरीका, आप कंटेनमेंट करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, उनको टेस्टिंग करवाएंगे तभी हो। और टेस्टिंग का कल एक नया जियो जारी हुआ है, बहुत डिटेल हम लोग ने देखा है। जी सर, जी सर, तीनों जियो देखा, देखा है जी सर। हाँ, उसमें उसमें देखिए जो टेस्टिंग का जियो है इसमें दो तीन बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है उसमें टेस्टिंग के जियो में कि जो भी आपके कंटेनमेंट जोन में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं उनकी टेस्टिंग आरटीपीसीआर में होनी, उनका एंटीजन टेस्ट बनता है, उनका टेस्ट आरटीपीसीआर से कराइए और उसको आप उसको प्रायोरिटी सैंपल लेवल करिए ताकि ऐसा ना हो कि उनके सैंपल्स की जांच जाने के बाद आ उसको उसकी प्रायोरिटी लेवलिंग करिए जो भी कोमॉर्बिड है या सीनियर सिटीजन है बुजुर्ग है उनका एंटीजन से करके उनको आप और छोड़ दीजिए। आपने एंटीजन किया और पता चला कि उसके बाद उनको छोड़ दिया और फॉल्स निगेटिव आ गया, उसके बाद पता चला कि लास्ट मोमेंट में एकदम से आपने आपने पहुंचे तो उनका आरटीपीसीआर करवाइए। जो भी आपके दूसरी बात देखिए आईसीएमआर ने पॉइंट आउट किया है जो आप लोग एंटीजन टेस्ट करवा रहे हैं पूरे प्रदेश के लिए उसमें जो सिम्टोमेटिक निगेटिव आ रहा है उसकी आप टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं आरटीपीसीआर से। क्लियर प्रोटोकॉल है ये एंटीजन टेस्ट में जो लोग निगेटिव आएंगे लेकिन सिम्टोमेटिक है उनका आरटीपीसीआर से टेस्ट करवाना है, ये क्लियर प्रोटोकॉल है। लेकिन नहीं करवा रहे, केवल 23% प्रदेश में सिम्टोमेटिक निगेटिव की जांच फिर से आरटीपीसीआर से की गई डेटा के बेसिस पर आईसीएमआर ने लिख के भेजा है स्टेट को। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जिसका भी आप करवा रहे हैं एंटीजन टेस्ट अगर वो सिम्टोमेटिक है निगेटिव आया तो उसका आरटीपीसीआर होना है। पहला ही आपको मैंने बता दिया कि जो बुजुर्ग है वो मॉर्बिड है उनका एंटीजन कराना ही नहीं है, उनका आरटीपीसीआर करवाइए और प्रायोरिटी लेवलिंग करें। दूसरी बात ये है उसमें इम्पोर्टेंट कि ऑन डिमांड टेस्टिंग अलाउ कर दी गई है कुछ केसेस में। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए अमेरिका जाना है और उसको अमेरिका जाने के लिए अमेरिका में उसको दिखलाना है कि हम कोविड निगेटिव है वो अपना करा सकता है। किसी को हॉस्पिटल में भर्ती होना है और हॉस्पिटल वाला कह रहा है कि हाँ तुम टेस्ट करा के आओगे अपना करा सकता है। अगर कोई सिम्टोमेटिक हो गया किसी की सांस फूल रही है उसका बुखार हो रहा है तो इंतजार नहीं करेगा कि सर्विलेंस मीटिंग हमको ढूंढेगी तरह करवाएंगे, वो अपना या तो आप लोगों को संपर्क करेगा या अगर खुद अपना करवा सकता है तो अपना करवा सकता है बिना डॉक्टर के पर्चे। और अगर कोई किसी पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट में आया पॉजिटिव का कॉन्टैक्ट है तो भी अपना वो चाहे तो करवा सकता है। पॉजिटिव वो मिलता ही नहीं, फोन नंबर गलत होता है, पता गलत होता है। तो इसलिए जो अच्छा खास करके लोग कह रहे थे साहब प्राइवेट लैब से जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो ढूंढ नहीं पा रहे लेबोरेटरी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एंश्योर करें कि फोन नंबर सही है, फोन नंबर पर चाहे वो उसको कॉल करके कंफर्म करे उसके। आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर मेरा तो क्या स्थिति चल रही है।